bismillah rahman rahim ladies and gentlemen very warm welcome to lesson 9 which is about the social theories of entrepreneurship now we reach at the point where we are going to discuss about the sociological impact sociological needs sociological developments when need becomes the want and how sociological dependency goes in a different way when the cross culture dimensions comes in हम ये देखेंगे सोशोलॉजिकली किस तरीके से बिज़नेस में मुख्तलिफ डेफिनेशनस आती हैं या बिज़नेस प्रॉफिट का मोटिव बन जाता है या बिज़नेस जो है वो माशरे को आसानी देने का एक तरीका कार बन जाता है या लोगों के अंदर से कुछ ऐसा भी ग्रुप पैदा होता है जिसके अंदर ये डेवलपमेंट आ जाती है कि ह्यूमन बेनिफिट्स जो हैं वो ज़्यादा ज़रूरी हैं एक दूसरे को फ़ायदा देकर एक ख़ास सोसाइटी को अमल देना और एक ख़ास सोसाइटी को बनाना ये इम्पोटेंट बात एंथ्रोपोलॉजी के अंदर हम देखते हैं कि बहुत सारी स्टडीज़ शामिल होती हैं लेकिन सोशोलॉजिकल नीड्स के अंदर हम देखते हैं कि माशरती और तबकाती तकसीम जो है वो लिमिटेड जराए के अंदर हमारे जहनों में है मसला हम अमीर हैं हम मुतवस्त हैं हम गरीब हैं फिर हमारी परचेस पावर पैरिटी ये डेवलप होती फिर आगे जो है क्या ये सोसाइटी जो है वो किस तरह से कमा रही थी फिर पता चला कि एक परसेंट दो परसेंट लोग होते हैं जो पूरे बिज़नेसेस को रन कर रहे होते हैं यानी कमर्शियल एक्सरसाइजेस कर रहे होते हैं और पूरा इकोनॉमिक साइकिल या सर्कल जो है वो उन पर डिपेंडेंट होता अच्छा फिर बाद में ये पता चला कि इन्हीं शक्ल के अंदर डिजन्स जरा चेंज होने शुरू हो गई हैं तो माशरे के उन की तरफ से बात आई कि जिन तक ये कई चीज़ें नहीं पहुँचती थी क्योंकि ये बॉटम अप अप्रोच अप अप थी और टॉप टू बॉटम अप्रोच थी बॉटम अप नहीं थी अच्छा जिस तरीके से आप अक्सर सुनते हैं कि इकॉनमी के अंदर जो है आ, हम टॉप टू बॉटम बॉटम अप की बहुत बात करते हैं लेकिन अब तक जो है वो ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी के बावजूद भी हम तक अब तक बॉटम बौ, टू टॉप की कोई भी साइंस डेवलप नहीं कर सके कि माशरती तकसीम जो है जिसमें बुनियादी तौर पर ना बने लेकिन चाइना ने ऐसे रिजल्ट दिए जिसके अंदर से गरीब तक भी पैसा पहुँचा अच्छा अब सवाल यह है कि ये जो नेटवर्क सोशलॉजिकल या सोशल चेंज था ये कैसे मुमकिन हुआ और आंटरप्रन ने ये कब डिफाइन किया कि ये नेटवर्क बनने चाहिए और इंडिविजुअल से हट के ग्रुप आइडियाज जो हैं या ग्रुप आंट्रप्रोर्स जो हैं वो ज्यादा पेविटल किरदार अदा करेंगे और माशरती तकसीम को ख़त्म करने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका क्या है कि एक सोसाइटी को बनाया जाए एक मुनजम निज़ाम को बनाया जाए एक नेटवर्क को बनाया जाए अगर आप एक साफ सुथरा माशरती तबका बनाना चाहते हैं तो माशरत क्या है उसका तरीकाकार है कि आप मीशत माशरत सियासत रियासत बनाते हैं आपकी पॉलिटिक्स भी अच्छी नहीं होगी जब तक आपका माशरा अच्छा नहीं होगा माशरा जो है वो डिपेंडेंसी आपकी सोशल आइडियाज पे होती है तो जितने भी आपको टॉप के लोग देखेंगे वेस्ट के तो मैं पढ़ा ही रहा हूं हमने देखा होगा कि ईरान में अली शरीयती साहब जो थे उनका अगर इनकलाब का नजरिया सुने तो उनमें भी सबसे पहले उन्होंने सोशियोलॉजिकल आइडिया के ऊपर बात की माशरती बेहतरी तबकाती बेहतरी और माशरा कैसे ग्रो करेगा उस पर सोचा जाता है मुफक्रीन सोशल आइडियाज के ऊपर सोचते हैं आइडिया ये है कि हमने हर इलाके हर तबके और हर नेटवर्क के अंदर सोशियोलॉजिकल डेवलपमेंट करनी अब इसमें हम डिस्कस क्या करेंगे विद मॉडर्न कॉन्सेप्ट अराउंडलॉजिकल सर्कमस्टेंज द स्टेटस को जैसे मैंने आपको अर्ज किया वो जो एक परसेंट जिसको हम स्टेटस को कह रहे हैं ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी में भी आप लव स्टेटस को ही समझते हैं अच्छा स्टेटस को क्या है इसको जरा समझे हम बहुत नाम सुनते हैं लेकिन मुझे यकीन है बहुत से लोगों को ये आइडिया नहीं है स्टेटस को किसको कहते हैं इज दैट जस्ट मनी और मोनोपोली ऑफ द मनी और द फाइनेंशियल मार्केट और इंस्टीट्यूशनल मार्केट क्या स्टेटस को कहते हैं या पावर को अच्छा जिसके पास स्ट्रिंग्स होते हैं हर तरह के स्ट्रिंग्स हिलाने वाले को स्टेटस को कहते हैं अच्छा स्टेटस को आमतौर पे फैब्रिकेटेड भी होता है आम तौर पे वो फिक्टिशियस भी होता है आम तौर पे हमें नजर वो आ रहा होता है लेकिन वो मुमकिन है स्टेटस को नहीं होता बाद में आकर तोड़ा यानी एक सोशल नेटवर्क जिसको मैंने कहा कि बॉटम अप्रोच है एक नया अप, पोर्शन प्रोमनेंट आइडिया डेवलप हुआ जिसके अंदर इस यानी स्टेटस को, को तोड़ने की बात हुई देन

अपार जो है वो 2013 में ये कहते हैं अच्छा अब आपने यहाँ पर अंदाज़ा लगाया कि मैं फ्रैंक यंग की थ्योरी को उसी से मिलवा मिला रहा हूँ और आप ये देख सकते हैं कि सोसाइटल डेवलपमेंट वन और आपके एंटरप्रनोरियल डेवलपमेंट टू यानी उस स्टेटस को को तोड़ दिया जहाँ पर मनोपली तकसीम होती थी बिजनेस बिजनेस आइडियाज फॉर एग्जाम्पल माचोज माचोमैन और जो uh, डॉन्स और बाकी सारी चीज़ें कार्टलाइजेशन अच्छा कार्टलाइजेशन से हटेंगे हम थोड़ा सा लेकिन उसको जरा टेक्निकली समझाना पड़ता है जैसे पाकिस्तान के अंदर अगर कार्टल करें तो इसको जख़ीरा अंदोजी में लेके जाएंगे और इस वक्त की इकॉनमी के मुताबिक ये बिल्कुल गलत है कार्टलाइजेशन करना लेकिन चाइना के अंदर अब कार्टल्स बनाने की जरूरत पड़ गई क्योंकि वे अंदर इज सो मैनी कम्पेटर्स हमें उसको रिड्यूस करना होता है और जहां पे कंपटीशन होता ही नहीं उसको हमें किसी और तरह से डील करना है इसी के अंदर अब जब मैं फ्रैंक सब की इस थेरी को रिलेट करता हूं तो वो कहते हैं कि एंटरप्रेन्योर्स कैन ओनली बी एंटरप्रनियनली डिवेलप ग्रुप्स और इंडिविजुअल्स आर एबल टू आइडेंटिफाई एंड क्लस्टर ऑफ क्वालिटी अब मैंने जो बात की कि जो नेटवर्क बनेगा तो उसके अंदर क्लस्टर्स होंगे अच्छा जब क्लस्टर्स होंगे तो देन वी नीडेड टू डिवेलप सच क्वालिटी और वो क्वालिटी कैसे पैदा होगी उसके अंदर से हमने आइडिया लगा लिया कि जो इंडिविजुअल लेवल क्वालिटीज होती हैं ग्रुप लेवल क्वालिटी से फर्क में होती है नेक्स्ट मॉड्यूल में हम देखेंगे कि इंडिविजुअल लेवल क्वालिटीज का ग्रुप लेवल क्वालिटीज में क्या फर्क है लेकिन इसने जो स्टेटस को को चेंज किया और आइडिया ऑफ एंटरप्रेन्योर ब्रीफली एवोल्यूट होकर ऊपर की तरफ आता है तो वो क्या चेंजेस लेकर आएगा थैंक यू वेरी मच